तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब आशा करते हैं ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर भी जिस तरह हिंदी ओल्ड सॉन्ग में लिरिक्स स्टेटस को देखा है, इस तरह लिरिक्स स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत सिंपल है, इस तरह स्टेटस को बनाना, खाली फोटो ऐड करना है और स्टेटस बन जाएगा। तो आप भी इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे खराब लगे कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंज यूज करने वाला हूँ सभी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना। और जो मैं इफेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह यूज करने वाला हूँ फोन वगैरह, वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइड मोशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों मैं एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो अब एलाइड मोशन ऐप को ओपन कर लेना, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है ये प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है ये खाली एक ही प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना होगा, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये सॉन्ग बीट मार्क को डाउनलोड कर लेना। तो इस प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, शुरू में देख सकते हो। उसके बाद देखो कुछ इस तरह यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह लाइट इफेक्ट है। और ये जो फोटो है ये फोटो में मैं इफेक्ट ऐड करके रखा हूँ, तो ये फोटो को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो फोटो है ये मेन वाला फोटो, ये फोटो लेयर को टच करना और इसको फोटो मतलब चेंज करना है, फोटो को अलग फोटो ऐड करना है। तो अलग फोटो कैसे ऐड करोगे देखो, फोटो लेयर को टच करना, कलर एंड फिल ऑप्शन में आ जाना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, और जिस फोटो से आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। इधर से देखो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला फोटो को देखो मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, और यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर और कुछ भी छेड़का नहीं करना होगा, इफेक्ट वगैरह पहले से मैं ऐड करके रखा हूँ सब कुछ, तो यहाँ पर खुद से ऐड करना नहीं होगा। और ये बीट में फिर से आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना है, ये वाला रेक्ट एंगल को ऐड करना है, ऐसा करके फुल स्क्रीन करना है, और यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन में आके ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। देखो ये वाला ऑप्शन को टच करना है, और ये जो ब्लैक डॉट है इसको नीचे, और जो हार्ड डॉट है इसके ऊपर कुछ इस तरह करके रोटेट करना है। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स यहाँ पर टच करना, मिडिल वाला ऑप्शन को टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना, और देखो कुछ ठीक से एडिट कर लेना कुछ इस तरह करके, और एक बार बैक करना है इसका जो लेयर है एकदम एंड तक ले आना है। उसके बाद ऐसा करके इसको भी दबा के रखना होगा, और ये जो मेन फोटो है ये मेन फोटो के नीचे रख देना। तो मेन फोटो के नीचे रखने के बाद देखो कुछ इस तरह यहाँ पर ब्लैक शैडो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा देखो, यहाँ पर लिरिक्स ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को, तो सॉन्ग लिरिक्स ऐड कर लेना। तो सॉन्ग को आप लोग प्ले करके सुन लेना, तो देखो मैं थोड़ा सुना देता हूँ आप लोगों को। तो सॉन्ग को सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मेरा नाम का जो लेयर है लेयर को टच करना, डबल एडिट टेक्स्ट में आके ये सबसे पहले हटा देना, और हटाने के बाद दोस्तों आपको इधर से लिरिक्स ऐड करना है। तो मेरा पहले से लिखा है, मैं उधर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। देखो तो देखो नोटपैड ऐप में आ जाना, और नोटपैड ऐप में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट जो लाइन है वो कॉपी कर लेना, उसके बाद एलाइड मोशन में आ जाना, और एलाइड मोशन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पर जो ग्रीन डॉट है ये ग्रीन डॉट को ऐसा करके खींचना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टिक करना है। तो इसका जो साइज है देखो कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, इसका जो पोजीशन है वो ठीक करना है, तो यहाँ पर मूव वाला ऑप्शन को टच करना है, और नीचे जहाँ आप लोग रखना चाहते हो उधर ये देखो लिरिक्स लेयर को ऐड कर लेना, उसके बाद एक बार बैक करना है, और इसका जो लेयर है वो कॉपी लेयर कर लेना। उसके बाद दोस्तों अगला जो बीट है अगला बीट में आके पेस्ट करना है। तो देखो ये जो लेयर है ये बीट तक आया नहीं, तो कैसे लाना है देखो, ये बीट में आना है, ये लिरिक्स लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन को टच करके ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो लिरिक्स है वो चेंज करना पड़ेगा, तो लिरिक्स चेंज करने के लिए फिर से सॉन्ग को प्ले करके सुन लेना है। उसके बाद दोस्तों ये लिरिक्स लेयर को टच करके एडिट टेक्स्ट में आके हटा देना है, उसके बाद फिर से नोटपैड ऐप में आ जाना, और देखो सेकंड जो लाइन है वो कॉपी कर लेना है, उसके बाद फिर से एलाइड मोशन में आ जाना, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देखो टिक ऑप्शन को टिक कर देना। तो दोस्तों ऐसा करके आप लोग यहाँ पर लिरिक्स को ऐड कर लेना एकदम एंड तक, और लिरिक्स ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आगे आ जाना, यहाँ पर प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और देखो ये वाला जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करना है।
तो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो में बहुत बार यूज किया हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। देखो ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना, उसके बाद ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर को टच करना, टाइमर ऑफ सॉरी यार यहाँ पर ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आ जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आ जाना और स्क्रीन कर देना। तो कुछ इस तरह शुरू में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसका जो लेयर है ऐसे करके सॉरी यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर को ऐड करेंगे, तो बॉर्डर ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और देखो ये वाला पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना और इसका जो लेयर है वो एकदम एंड तक ले आना, कुछ इस तरह करके। उसके बाद दोस्तों आगे आ जाना, यहाँ पर जो देखो दो जो रेक्टेंगल है ये टू वाला और ये थ्री वाला, तो ऐसे करके दबा के रखना होगा और सबसे ऊपर कर देना। तो कुछ इस तरह यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो सीसी इफेक्ट। तो दोस्तों जैसे मैं बताया ऐसे करके आप लोग स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को सेव कर लेना। तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन को टच करना है और इधर से वीडियो को सेव कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।